रही है बाबा बर्फानी से जुड़ी हुई। जी हाँ, अब बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा की शुरुआत बस होने ही वाली है, कल तक का इंतजार करना होगा, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भक्तों का पहला जत्था जम्मू से रवाना होगा 29 जून, यानी कल से बाबा बर्फानी के दर्शन शुरू हो जाएंगे। तो ये बड़ी खबर, तो बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा बस अब कल से शुरू होने वाली है। 29 जून से लेकर 19 अगस्त तक यह यात्रा चलेगी। कैसी तैयारियां इसको लेकर की गई, मॉक ड्रिल भी की गई थी, एक रिपोर्ट। बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 29 जून यानी शनिवार से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होगी, जो करीब 2 महीने तक चलेगी। अमरनाथ यात्रा पर आने वाले बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। पॉइंट जीरो से पवित्र गुफा तक दोनों मार्गों पर श्रद्धालुओं के लिए लंगर लगाए गए हैं। श्रीनगर के पंथा चौक के बेस कैंप में हैं और यहाँ पे हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि जो लोग सेवा करते हैं इस पूरे अमरनाथ यात्रा के बीच में, जो यात्री यहाँ पर तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं उनकी सेवा करते हैं, वो यहाँ पर पहुँच गए हैं और उन्होंने अपने लंगर जो है स्थापित किए हैं। आतंकी घटनाओं को देखते हुए 20,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। निगरानी रखने के लिए 360 डिग्री सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। 38 हुनरमंद माउंटेन रेस्क्यू टीम लगाई गई है। सशस्त्र पुलिस की 13 टीमें, एसडीआरएफ की 11 टीमें, एनडीआरएफ की 8 टीमें, बीएसएफ की 4 टीमें और सीआरपीएफ की 2 टीमें चप्पे चप्पे पर नजर रखेंगी। इसके साथ ही यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा बलों ने जम्मू और कश्मीर में डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। इस वर्ष खास ध्यान जो है सिक्योरिटी पर रखा जा रहा है, क्योंकि रियासी में जिस तरह से तीर्थ यात्रियों को निशाना बनाया गया आतंकवादियों के द्वारा, तो उसके बाद लगातार सुरक्षा एजेंसियों को के सामने ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस वर्ष जो है अमरनाथ यात्रा बड़े ही पीसफुल तरीके से कंप्लीट हो जाए। और यहाँ पर देखिए कि शंकर भगवान के नारे बोले जा रहे हैं और बम बम बोले के नारे, जो भी यात्री तीर्थ यात्रा पर बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आते हैं तो उनकी जबान पर बम बम बोले के जो जय जयकार है वो हमेशा रहती हैं। और यही एक बड़ी खुशकिस्मती होती है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी, क्योंकि उसको उनको भी जो है इस तीर्थ यात्रा से जो है रोजगार मिलता है। आज आधार शिविर भगवती नगर जम्मू से पहला जत्था बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना हो गया है।